नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 सितंबर गुरुवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में पहली बार 6 से 9 जनवरी के बीच कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्रेजुएशन लेवल के कैंडिडेट्स के लिए सीईटी का सिलेबस भी जारी किया। 8 सरकारी विभागों में 3000 से ज्यादा पदों पर नौकरी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। कैंडिडेट्स 22 सितंबर से 21 अक्टूबर तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सीईटी में आने वाले अंकों को सार्वजनिक किया जाएगा। परीक्षा में किसी तरह के कोई पासिंग मार्क्स नहीं होगा, बल्कि किसी पद विशेष की भर्ती के समय इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाएगा। इस परीक्षा की वैधता 1 साल के लिए रहेगी। ऐसे में अभ्यर्थी एक बार परीक्षा देने के बाद 1 साल तक उन्हीं अंकों के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। इस परीक्षा में बैठने के लिए किसी तरह की कोई सीमा नहीं होगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 40 साल होनी जरूरी है। एसीबी झुंझुनू की टीम ने रिश्वतखोर पटवारी को गिरफ्तार किया है। पटवारी से रिश्वत के 4000 रुपए बरामद कर लिए। कार्रवाई झुंझुनू पटवार घर में की गई है। पटवारी के आवास और अन्य स्थानों पर तलाशी की कार्रवाई की जा रही है। एसीबी के एएसपी इस्माइल खान ने बताया कि झुंझुनू की बास नानक की पटवारी सुशीला को 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। बास नानक निवासी किसान बंशीलाल अपनी जमीन की केसीसी के रहन को ऑनलाइन करवाने के लिए पटवारी सुशीला से मिला। वह परिवादी से इस काम की एवज में 5000 रुपए मांग रही थी। परिवादी की शिकायत के बाद सत्यापन करवाया गया, जिसके बाद एसीबी ने पटवारी महिला सुशीला को 4000 की रिश्वत सहित रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। टोंक जिले में 45 सेकंड में 3 नकाबपोश बदमाशों ने बैंक लूट लिया। बदमाशों ने बैंक में घुसते ही हवाई फायर किया। कैश काउंटर के साथ ही 2 कस्टमर से 5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। यह लूट दूनी थाना इलाके के आवा गांव में पंजाब नेशनल बैंक में हुई है। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ब्रांच मैनेजर लाखन सिंह मीना ने बताया कि 3 नकाबपोश बदमाश हवाई फायर करते हुए बैंक के अंदर घुसे। एक बदमाश गेट पर खड़ा हो गया, दूसरा सीधा कैश काउंटर पर गया और कैशियर की कनपट्टी पर बंदूक तानकर 4.25 लाख रुपए बैग में भर लिए। बदमाशों ने बैंक में मौजूद 2 कस्टमर से 40 और 20000 रुपए लूट लिए। लूटपाट के बाद बदमाश पावर बाइक से फरार हो गए। लूट की सूचना पर एसपी मनीष त्रिपाठी, देवली डिप्टी सुरेश कुमार और दूनी एसएचओ विजय सिंह मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज से साक्ष्य जुटाए। आवा से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर नाकाबंदी करवाई। तीनों लुटेरे नैनवा की ओर जाते दिखाई दिए। फिलहाल पुलिस इनकी तलाश कर रही है। जयपुर में नाबालिग बेटी ने माता पिता को ऐसा दर्द दिया कि मां के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। घटना चाकसू थाना इलाके के रैगरों का मोहल्ला की है। नाबालिग किसी को बिना बताए घर से 10 सितंबर को अचानक गायब हो गई। जानकारी मिलने पर पीड़ित परिवार बच्ची की गुमशुदगी के लिए चाकसू थाने पहुंचे। पुलिस ने बच्ची के अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 15 सितंबर को नाबालिग लड़की अपने आप घर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस को बच्ची के लौटने की जानकारी दी गई। पुलिस ने बच्ची को थाने बुलवाया और फिर उसके बयान लिए। 19 सितंबर को यह नाबालिग दोबारा घर से गायब हो गई। इस पर परिजन दोबारा से थाने पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। घर पर देखा तो पता चला कि जमीन बेचकर जो पैसा करीब 5 लाख रुपए अलमारी में रखा था, वह पैसा लेकर बच्ची भाग गई है। पुलिस ने पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू कर दी है। अलवर जिले में मेडिकल की लीगल रिपोर्ट बनाने के एवज में मालाखेड़ा के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र शेखर वे दलाल राहुल यादव को 22000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मालाखेड़ा सीएचसी पर ही दलाल के जरिए रिश्वत ली गई। दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर जितेंद्र पूर्व मंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं। एसीबी के एसपी विजय सिंह के निर्देशन में टीम ने मालाखेड़ा में डॉक्टर जितेंद्र शेखर के दलाल राहुल यादव को परिवादी से रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है, जिसने परिवादी की लीगल मेडिकल रिपोर्ट बनाने की एवज में ली थी। इसके बाद सीएससी पहुंचकर वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र शेखर को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के घरों पर भी एसीबी की जांच जारी है। डॉक्टर जितेंद्र शेखर अलवर के मालवीय नगर का रहने वाला है, वही दलाल राहुल यादव मालाखेड़ा का रहने वाला है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में 3 नए संकायों और 18 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। आज इस संबंध में मंजूरी दी गई है। अब विश्वविद्यालय में लेखा और व्यवसाय
सांख्यिकी, आर्थिक प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की जाएगी, जिसमें शैक्षणिक कार्यों के लिए 3 सह आचार्य, 6 सहायक आचार्य के 9 पदों सहित 18 पदों पर मंजूरी दी गई है। इन 3 नए संकायों की स्थापना व पदों के सृजन से विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और विद्यार्थियों को भी लाभ होगा। इस संबंध में सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जानकारी दी है। दौसा जिले में चलती ट्रेन के बीच एक युवक 20 सेकंड तक फंसा रहा। पिता के सामने वह प्लेटफॉर्म से गिरा तो उनके भी होश उड़ गए। इस दौरान आरपीएफ कांस्टेबल दौड़ता हुआ आया और लोगों को चेन पुलिंग का इशारा किया। ट्रेन रुकने पर जब उसे निकाला गया तो खरोंच तक नहीं आई थी। दरअसल दौसा रेलवे स्टेशन पर 20 वर्षीय अंश आनंद अपने घर से कोचिंग जाने को जयपुर के लिए रवाना हुआ। इस दौरान वह स्टेशन से अमृतसर एक्सप्रेस में सवार होने आगे बढ़ रहा था कि पैर फिसलने से उसका बैलेंस बिगड़ गया, जिससे वह प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में नीचे गिर गया। पिता भूपेंद्र बेटे को बचाने के लिए चिल्लाने लगे। आवाज सुनकर आरपीएफ कांस्टेबल सुभाष वहां पहुंचा और लोगों को चेन पुलिंग का इशारा किया। गनीमत रही कि नीचे गिरने के तुरंत बाद उसने अपने आप को संभाल लिया था। अलवर के निकट बहादुरपुर गांव में शादी के 4 माह बाद ही महिला ने जहर खा लिया, जिसके इलाज के दौरान अलवर में मौत हो गई। मृतका के पिता ने किसी पर शक जाहिर नहीं किया। सदर पुलिस ने बताया कि भरतपुर के डीक के रहने वाले राम सिंह ने बताया कि उसकी बेटी पूजा की शादी 4 महीने पहले बहादुरपुर के पदम सिंह से हुई थी। करीब 1 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसकी बेटी को दिमागी चोट लगी थी। अब अचानक उसने घर में ही जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उनको किसी पर कोई शक नहीं है। मृतका का पिता अलवर में ही बांटे की खेती लेकर काम करता है। पुलिस ने बताया कि विवाहिता द्वारा जहर पीकर सुसाइड करने के कारणों का पता नहीं लगा है। जोधपुर जिले में रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए फेस्टिवल सीजन में दादर भगत की कोठी उद्घाटन स्पेशल ट्रेन शुरू हो रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि गाड़ी संख्या 04808 दादर भगत की कोठी उद्घाटन स्पेशल ट्रेन 25 तारीख को दादर से 12 बजे रवाना होकर अगले दिन 4:05 पर भगत की कोठी पहुंचेगी। यह रेल सेवा मार्ग में बोरीवली, वापी, सूरत, भरूच, वडोदरा, अहमदाबाद, साबरमती, महसाना, पाटन, भीलड़ी, धनेरा, रानीवाड़ा, मारवाड़, भीनमाल, जालोर और समदड़ी स्टेशनों पर ठहराव करेगी। गाड़ी संख्या 14807-08 भगत की कोठी जोधपुर दादर, भगत की कोठी जोधपुर त्रि साप्ताहिक रेल सेवा, भगत की कोठी से 27 तारीख प्रत्येक रविवार, मंगलवार व शुक्रवार को एवं दादर से 28 से प्रत्येक सोमवार, बुधवार व शनिवार को नियमित रेल सेवा के रूप में संचालित होगी।